जैसा कि दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन आया है, ये ओप्पो का मोबाइल फ़ोन है, ओप्पो का A3s मोबाइल फ़ोन है और मुझे लगता है आज के प्रेजेंट टाइम में सबसे हॉट मोबाइल फ़ोन है। इस मोबाइल फ़ोन में क्या प्रॉब्लम है, इस मोबाइल फ़ोन में पासवर्ड लगा हुआ है, तो हम लोग किस तरीके से इसके पासवर्ड को तोड़ेंगे और कैसे इसके FRP को हटाएंगे, ये सारा टॉपिक जो है वो मैं आपको स्टेप बाई स्टेप आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात क्या है, आप आ जाइए नीचे, नज़दीक आइए, दिखाइए सबको। जैसे मेरे पास मोबाइल फ़ोन, इस मोबाइल फ़ोन में क्या लगा हुआ है, पासवर्ड लगा हुआ है। तो पासवर्ड को तोड़ने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं, इस पासवर्ड को आज मैं आपको UEFI के द्वारा पासवर्ड को तोड़ना सिखाऊंगा और कैसे ISP पिनआउट को यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें पूरे फ़ोन को खोलना है। फ़ोन खोलने के लिए सबसे पहले फ़ोन को क्या करेंगे, आप स्विच ऑफ कर लीजिए। बंद करने के बाद हम मोबाइल फ़ोन को ओपन करेंगे। क्या करेंगे, मोबाइल फ़ोन को इस तरीके से ओपन कर लेंगे। बोर्ड को हमें निकालना पड़ेगा। बोर्ड निकालने के बाद इसमें क्या होता है कि ISP पिनआउट के मेथड से हम लोग क्या काम करेंगे, मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट कराएंगे। जब हमारा मोबाइल फ़ोन सिस्टम से कनेक्ट हो जाएगा फिर हम हैंडसेट को क्या करेंगे, अनलॉक करेंगे। आप देखिए हमने मोबाइल फ़ोन को क्या करना है, ओपन कर लेना है। हमने सारे स्क्रू ओपन कर लिए। बैटरी अलग कर ली, पत्ता अलग कर दिया, सारी चीज़ों को हमने डिस्कनेक्ट कर दिया। ये हमें बोर्ड को निकाल लेना है। अब ये बोर्ड को बाहर निकालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से हमारा मोबाइल फ़ोन कनेक्ट होगा। कैमरे को अलग करेंगे, आप इसे क्या करेंगे, इसे हमें क्या करना है, ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, ये इसमें जो इसे आपको क्या कर लेना है, साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद फिर आपको क्या करना है, कटर की हेल्प से आपको यहाँ से लेकर यहाँ पर आपको कट करना है। क्यों कट करना है, क्योंकि इसके अंदर ISP पिन होते हैं। ISP पिन देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है, जैसे कोई भी मोबाइल फ़ोन आ गया, कोई मोबाइल फ़ोन दीजिए मुझे, इस मोबाइल फ़ोन से आपसे सिंपली क्या करना है, इस मोबाइल फ़ोन में आपको गूगल ओपन करना है। इस मोबाइल फ़ोन में हमें क्या करना है, गूगल ओपन किया, गूगल ओपन करने के बाद आपको गूगल पे टाइप करना है। क्या टाइप करना है, यहाँ पर लिखना है जैसे ओप्पो A3s ISP पिन आउट। ये देखिए ऑटोमेटिक आ जाता है, मतलब इससे आपको ये चेक करना है कि ओप्पो A3s जो मोबाइल फ़ोन है उसका ISP पिन कौन सा है। इसमें देखिए कि इमेज खुल के आ जाती है, ये आपको इमेज खुल के आ जाती है। ये इमेज आपको ये प्रदर्शित करती है, ये बताती है कि इसका ISP पिन क्या है। ये देखिए आपको इस तरीके का फ़ोटो खुल जाता है। इस फोटो में अगर देखेंगे, ये ग्राउंड है, हमने क्या करना है, ओप्पो A3s का ISP पिन के लिए जैसे हम ओपन करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा ऐसा फ़ोटो दिखाता हूँ जिसमें आपको बड़ा सा हो, आपको अच्छा दिखे, साफ़ सुथरा नज़र आए।
ये देखिए इसमें अगर देखेंगे तो ये वाली पिन हमारी क्या दिखा रहा है, सी एल के दिखा रहा है, और ये वाली क्या है, सी एम डी है, ये वाली डाटा है, ये वाली बी सी सी है। तो इन पिनों को और ग्राउंड हमारा क्या है, माइनस है। वी सी सी क्यों कनेक्ट कर दीजिए, वी सी सी कनेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है और हमारा मोबाइल फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा। हम फ़ोन को क्या करेंगे, अनलॉक कर देंगे। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, ई सी आई एस पी पिन को हम इसके अंदर क्या करेंगे, कनेक्ट करने में। इस आई एस पी पिन को कनेक्ट करने के लिए अगर आप बोर्ड में देखेंगे तो ये आई सी लगी है, ये इतना हिस्सा क्या हुआ, कट किया गया है। अगर कट करने की बात ही आ जाएगी, अगर आप देखेंगे उसमें ये लगा हुआ है, यहाँ पर कैमरे का फीचर है, ये आपका राउंड फीचर दिया हुआ है। और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के इतना एरिया जो है क्या करेंगे, कट करेंगे। इतना एरिया कट करने का मतलब रहता है, जब हम जाली कट करेंगे तो इसके नीचे ये पिन आउट निकलेंगी। हम आपको एक बार कट करके दिखाते हैं। आपको ये कट करने के लिए आपको कटर अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर आपको जल्दबाजी नहीं करनी, अगर जल्दबाजी करेंगे तो मोबाइल फ़ोन 1% का डेड रिस्क भी होता है। कस्टमर को रिपेयर करते समय हम लोग बोल भी देते हैं कि फ़ोन आपका क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। वैसे डेड नहीं होता, बस डिपेंड करता है आपकी सेफ्टी के ऊपर कि आप कितना इसमें काम जो करेंगे वो कितना सेफ्टी से करेंगे। आप क्या करिए, इसके पिन को क्या करिए, कट करेंगे। यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि आपका जो ये कटर है ये आईसी की तरफ नहीं जाना चाहिए, ताकि आईसी आपके डैमेज ना हो। आपको आसानी से आहिस्ता आहिस्ता, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना, जल्दबाजी करेंगे तो आपका ख़राब हो जाएगा। देखिए हमने आसानी से क्या कर लिया, इसको खोल लिया। उसके बाद हल्का सा इधर का भी खोल लेंगे। आप लोगों को मैं फिर बोल देता हूँ कि आप लोग इसमें बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, इसे आप आसानी से कट करें। हमने इसे कट कर लिया। कट करने के बाद अब हमको क्या करना है, जो आई एस पी पिन आउट हमने देखे हुए हैं उन्हीं आई एस पी पिन आउट को हमको क्या करना है, इसमें कनेक्ट करना है। उन्हीं आई एस पी पिन को कनेक्ट करना है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका रजिस्टर लगा हुआ है, ये इसमें आपका दिखा भी रहा था, इसमें दिखा रहा था कि ये जो दो रजिस्टर लगे हुए हैं ये डाटा के हैं। अगर इसी पॉइंट को हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कौन से पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये दो पॉइंट किसके दिए हुए हैं, डाटा के दिए हुए हैं। लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं दिया हुआ है, ये जो आपका दिया हुआ है सी पी एच 1853। अब हम लोग क्या काम करेंगे, एक बार इस मोबाइल फ़ोन को चालू करके देख भी लेते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है, कोई दिक्कत नहीं हुई है। हमारा मोबाइल फ़ोन अभी ऑन है, कोई दिक्कत नहीं हुई है। हम लोगों को क्या करना है, इसका सीपीएच चेक कर लेना है। कभी कभी क्या होता है, बोर्ड में थोड़ा सा माइनर चेंजेस होने की वजह से हमारे आईएसपी पिन आउट जो होते हैं मैच नहीं करते, लेकिन अगर आप सीपीएच मैच करेंगे तो 100% वो चीज़ें दिखाई देंगी, क्योंकि इसमें भी कई सारे वर्जन हो जाते हैं। अब जैसे मुझे इसका सॉफ्टवेयर वर्जन चेक करना, तो सॉफ्टवेयर वर्जन चेक करने के लिए एक हमारा कोड आता है,
जैसे आपको इमरजेंसी में टाइप करना है, यहाँ पर टाइप करेंगे *#899#, आपका इस तरीके से एक मोड खुलेगा। आप सॉफ्टवेयर वर्जन में जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे इसका लिखा CPH 1803, क्या लिखा हुआ है CPH 1803। अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है CPH 1803। तो CPH 1803 का मतलब क्या है कि हम लोग जो ISP पिन आउट देख रहे हैं, जो हम लोग ISP पिन आउट देख रहे हैं वो किसका देख रहे हैं और हमें देखना किसका चाहिए, हमें देखना चाहिए 1803 का। अब हम क्या करेंगे, ये हम देख रहे हैं जो ISP पिन आउट दिखाई दे रहा है इसमें, ये दे रहा 1853, जबकि हमको देखना किसका है 1803 का। अब आप क्या करेंगे, ये 1853 है, ये A3S है, ये दिखा 1803। अगर आप देखेंगे तो इसमें 1803 लिख करके आ रहा है। आप इसे फिर से ओपन करेंगे, ये देखिए, तो ये बता रहा है कि आपकी डाटा पिन कहाँ पर है, CMD कहाँ पर है, CLK कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें इसमें देखो शो हो रही हैं। कि जैसे अगर आप इस चीज़ को मैच कराएंगे तो बिल्कुल आपको हूबहू देखो निकल के आ रही है। ये किसका रजिस्टर लगा हुआ कॉर्नर पे, इसमें भी रजिस्टर दिया हुआ है और CMD भी दिया हुआ है, Data 0 भी दिया हुआ है, सारे पॉइंट दे रखे हैं। अब हम लोग क्या काम करेंगे, और ये आपका VCCQ भी दिया हुआ है, VCC भी दिया हुआ है, सारे पॉइंट दिए हुए हैं। अब हम लोग क्या काम करेंगे, इसमें ISP जंपर लगाएंगे। ISP जंपर लगाने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा, फिर मैं आपको जंपर लगा करके दिखाता हूँ कैसे जंपर लगाएंगे, कनेक्ट कराएंगे। तो जैसा आप लोग देखेंगे कि मैंने आपको क्या कर रखा है, मैंने इसमें ISP पिन आउट के द्वारा इससे मैंने कनेक्ट कर रखा है। ये हमारा प्रॉपर कनेक्ट है और ये UFI से कनेक्टेड है। उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, तो ये सारी जितने सारी पिने हैं, सारी पिने कनेक्ट हैं। सारी कनेक्ट होने के बाद अब हम आपको बताते हैं कि कैसे हम मोबाइल फ़ोन को क्या करेंगे, लॉक करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, UFI MMC टूल को ओपन करेंगे। ये आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आप क्या करेंगे, मैं स्क्रीन थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। फिर सबसे पहले क्या करेंगे, डायरेक्ट MMC ISP पे यहाँ पर आपको क्या करना है, टिक करना है। ये जो ऑप्शन होता है इस ऑप्शन पे टिक करना है, आइडेंटिफाई MMC पे क्लिक करना है। जैसे आइडेंटिटी MMC पे क्लिक करेंगे तो ये क्या काम करेगा, इसके डाटा को रीड करेगा। ये देखिए, ये पूरे इसमें डिटेल खुल के आ गई कि ये फ़ोन कनेक्ट है, ये ओप्पो का कौन सा मॉडल है, कौन सा IC लगा हुआ है, ओप्पो CPH 1803, ओप्पो A3S मॉडल है। अब मुझे क्या करना है, इस मोबाइल फ़ोन का लॉक तोड़ना है। पासवर्ड तोड़ने के लिए आया था मैंने, जैसे आपको पासवर्ड दिखाया था। यहाँ पर आपको जितने भी सारे पार्टीशन है वो आपको दिखाता है। आप फैक्ट्री इमेज में जाएंगे, ये यहाँ पर फ्लैशिंग करने का ऑप्शन देता है। आप क्या करेंगे, यूजर पार्टीशन पे जाएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है स्पेशल टास्क का, ये वाला ऑप्शन आता है स्पेशल टास्क का। जब आप स्पेशल टास्क पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आता है ओप्पो मास्टर क्लियर के ऑप्शन में जाएंगे। ओप्पो मास्टर क्लियर के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, वाइब डाटा एंड एप्स डाटा, मतलब एप्लीकेशन डाटा और वाइब डाटा हो जाएगा। आपने क्लिक किया, अब आपका मोबाइल फ़ोन क्या होगा, ओप्पो मास्टर क्लियर यहाँ पर लिख कर क्या आ रहा है, डन, मतलब आपका मोबाइल फ़ोन का लॉक टूट गया है। लेकिन इसके अंदर FRP लग जाएगा। आप चाहते हैं कि FRP हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर आता ऑप्शन क्लियर FRP लॉक,
इस पर आप क्लियर कर देंगे तो आपका FRP लॉक भी क्लियर हो जाएगा। तो आपके मोबाइल फ़ोन का फिर आप क्या करेंगे, आइडेंटिफाई MMC करेंगे। जैसे आइडेंटिफाई MMC करेंगे फिर आप देखेंगे इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रीड होकर के आएगी और आपके मोबाइल फ़ोन का लॉक टूट गया है। चलिए हम देखते हैं कि हमारा लॉक टूटा कि नहीं टूटा। इस बात के लिए हम लोग क्या काम करेंगे कि फिर से प्रॉपर देखेंगे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे सेटअप को रिमूव करेंगे, UEFI हटाएंगे, कनेक्टिविटी को हटाएंगे। कनेक्टिविटी हटाने के बाद जो हमने जम्पर लगा रखे हैं ये सारे जम्पर हम लोग क्या काम करेंगे, वन बाय वन करके डिसकनेक्ट कर लेंगे। हमें क्या करना है, एक एक करके जो भी सारी चीज़ें हैं सारी कनेक्टिविटी क्या कर लेनी है, हटा देनी है। अलग रख देंगे। उसके बाद फिर हम बोर्ड को फिर से लगाएंगे। कनेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, बैटरी लेंगे। बैटरी लगाने से पहले आप एक बार मल्टीमीटर से इसकी लाइन को टेस्ट कर लेंगे, कहीं कुछ शॉर्टिंग तो नहीं हुई है या आपने जो भी काम किया उस काम में कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। देखिए हमने मल्टीमीटर को बीप ऑन पर सेट किया कि देखिए प्लस पे कोई बीप नहीं दे रहा है, माइनस पे बीप दे रहा है। इसका मतलब है हमारे बोर्ड में शॉर्टिंग नहीं है, हम बैटरी लगा सकते हैं। हमने बैटरी लगाया, बैटरी लगाने पर मोबाइल फ़ोन को क्या किया, ऑन किया और ये हमारा मोबाइल फ़ोन चालू हो गया। अब देखिए आगे का प्रोसेस मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। जब आपका मोबाइल फ़ोन फॉर्मेट हो जाएगा तो थोड़ा सा समय लगेगा, 2 मिनट 5 मिनट तक का। देखिए आपका वाइप डाटा यहाँ पर लिख करके आ रहा है, मतलब आपका मोबाइल फ़ोन क्या हो गया, फॉर्मेट हो गया है। FRP भी हमने तोड़ दिया था, इसके अंदर FRP भी नहीं होगा। अगर FRP होता है तो *#813# कोड डाल करके आप FRP को भी हटा सकते हैं। यह आपका हैंडसेट ऑन हो जाएगा। आज जैसा वीडियो में देखा हुआ है कि किस तरीके से ओप्पो A3S मोबाइल फ़ोन को हम लोगों ने अनलॉक करना सीखा हुआ है, इस तरीके से एक एक करके जो भी सारी चीज़ें हैं सब चीज़ों के बारे में सॉफ्टवेयर से आप सीखेंगे। और मेरा नाम राघवेंद्र और मैं कानपुर से बात कर रहा हूँ। जहाँ पर आपको मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, इस तरीके से चिप लेवल की हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की कम्प्लीट ट्रेनिंग आपको दी जाती है। अब यहाँ पर आपका समय लगता है, यहीं पर आपको समय लगता है क्योंकि अब हमारा सेट पूरा रीसेट हो चुका है, पूरा क्लीन हो चुका है। मैं आपके सामने इसका पूरा सारे फीचर खोल के दिखा देता हूँ, चेक करा देता हूँ। यहाँ पर आपका समय लगता है थोड़ा सा,
क्योंकि सेट आपका पूरा रिकवर हो रहा होता है, जितनी भी सारी एप्लीकेशन है या पूरा सेट के सारी सेटिंग्स हैं वो सारी चीज़ें वन बाई वन करके मोबाइल फ़ोन अपना काउंट करता है, काउंट करने के बाद फिर हमारे सामने डिस्प्ले करता है। तो जैसा कि आज इस वीडियो में हमने देखा हुआ है कि किस तरीके से ओप्पो A3s मोबाइल फ़ोन को हम UFI बॉक्स के द्वारा किस तरीके से हम आसानी से अनलॉक कर सकते हैं, इसके लिए ये हमारा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ISP अडैप्टर। क्या बोलते हैं? ISP अडैप्टर में देखेंगे तो ये हमारा डाटा का पिन दिया हुआ है, ये CMD है, ये CLK है, ये ग्राउंड है, VCC Q है। आपको चार पिनें कनेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें क्या होता है डाटा, CMD, CLK और ग्राउंड। ये जो चार पिनें होती हैं ये आपके अंदर के जो MMC IC होती है उसके डाटा को रीड करती हैं, और ये VCC और VCC Q जो होती है ये क्या काम करती है, MMC IC को सप्लाई देती है ताकि आपकी MMC IC क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। जब तक MMC IC को सप्लाई नहीं मिलेगी, इस VCC VCC Q के द्वारा 1.8 और 2.8 वोल्ट सप्लाई मिलती है। जब 1.8 और 2.8 वोल्ट सप्लाई मिल जाएगी तब हमारे मोबाइल फ़ोन में MMC IC चालू होगी। जब MMC चालू होगी तो उसके अंदर के अंदर CMD, डाटा, क्लॉक, इनके द्वारा हम अंदर का जो भी सारा डाटा होता है उस डाटा को आसानी से वाइप कर सकते हैं, या उस IC को हम लोग प्रोग्राम कर सकते हैं, या उसको फॉर्मेट कर सकते हैं, या उसके अंदर FRP लॉक को हटा सकते हैं। जैसा कि आप देखेंगे कि ये एक ओप्पो का A3s मोबाइल फ़ोन जो सबसे ज़्यादा हॉट मॉडल है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मॉडल है, इस मॉडल के अंदर अगर FRP लग जाएगा या पासवर्ड लग जाता है तो मार्केट में जनरली लोग अनलॉक नहीं कर पाते। ये सिर्फ ऐसे ही लोग अनलॉक कर पाते हैं जिस बंदे को UFI चलाना आता होगा, या आप ऐसा कह सकते हैं ये वही पर्सन अनलॉक कर सकता है जिस बंदे को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की दोनों नॉलेज होगी। जैसा आपने देखा कि मैंने ISP जंपर लगाए, ये बहुत बारीक जंपर होते हैं, इस जंपर को कोई अगर साधारण आदमी अगर लगाना चाहे तो नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? इसलिए लगा सकता क्योंकि इसके पॉइंट्स बहुत बारीक होते हैं देखने को। तो हालांकि सारी चीज़ें गूगल पे दिख जाती हैं, ISP पिन भी दिख गई, सारा कनेक्शन भी दिख गया, लेकिन मेन रहता है हमको जोड़ना कैसे है। ये जोड़ने का जो प्रिंसिपल रहता है वो हमें कैसे, हमारी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड कर रहता है कि अगर हमारी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी तो इस पिनों को हम प्रॉपर तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, कनेक्ट नहीं कर सकते। जब प्रॉपर तरीके से हमारी पिनें कनेक्ट हो जाएंगी फिर हम UFI के द्वारा इस IC को आइडेंटिफाई करते हैं, और IC आइडेंटिफाई होते ही वो आपके डिस्प्ले में दिखा देती है कि कौन सा मॉडल है, कौन सा वर्जन है, कौन सा सॉफ्टवेयर है, या उसके अंदर कितना सॉफ्टवेयर है, कितना GB स्टोरेज है, जो भी सारी डिटेल्स होती हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर खुल करके आपकी वन बाई वन करके आ जाती हैं। इन्फॉर्मेशन खुलने के बाद फिर आप फॉर्मेट एरिया पर जाते हैं, स्पेशल टास्क ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, वहाँ पर वाइप डाटा का ऑप्शन आता है, आप वाइप डाटा कर देते हैं, आसानी से डाटा आपका क्या हो जाता है, वाइप हो जाता है। वहीं पर FRP रीसेट का भी ऑप्शन आता है, जब FRP रीसेट पर क्लिक करते हैं तो आपका FRP रीसेट भी हो जाता है, आसानी से हम FRP को क्या कर लेते हैं, रीसेट कर लेते हैं। ये देखिए हम फ़ोन को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद फिर हमने कंटिन्यू किया, स्किप किया, कंटिन्यू किया, एक्सेप्ट किया, ये आपका बिल्कुल ऐसा प्रोसेस हो गया है कि जैसे आपका मोबाइल फ़ोन बिल्कुल नया मोबाइल फ़ोन होता है, जब आप डब्बा पैक नया मोबाइल फ़ोन निकालते हैं तो उस तरीके से बिल्कुल सेम वैसे फीचर आते हैं। ये देखिए
ये हमारा मोबाइल फ़ोन क्या हो गया, अनलॉक हो गया। तो इस तरीके से कोई भी ओप्पो का मोबाइल फ़ोन आता है, जो A3s मोबाइल फ़ोन होता है या ओप्पो के और भी ऐसे बहुत सारे मॉडल्स आ रहे हैं, उनको हम आसानी से ये ISP पिन आउट के द्वारा अनलॉक कर सकते हैं, या फॉर्मेट कर सकते हैं, फ्लैश कर सकते हैं, या उसके अंदर नया प्रोग्राम डाल सकते हैं। तो जैसा कि आज आपने वीडियो में देखा, आपको सारी चीज़ें समझ में आई, वीडियो को देखें, शेयर करें, और कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको मोबाइल फ़ोन लैपटॉप की आपको चिप लेवल की कंप्लीट ट्रेनिंग लेनी है तो आप आकर के सीख सकते हैं। ये ट्रेनिंग सेंटर कानपुर में पड़ता है, जहाँ पर 45 दिन तक का समथिंग प्रोग्राम होता है। 45 दिन तक के अंदर आप जितने भी सारे मोबाइल फ़ोन होते हैं, सारे मोबाइल फ़ोन को बनाना आप आसानी से सीख सकते हैं, जैसा कि आज आपकी वीडियो में आपने देखा हुआ है। अब मैं आपको बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स से भी मिलाऊंगा जो बाहर से आकर के मेरे पास सीख रहे हैं और उन्होंने अपना कोर्स को ज्वाइन किया है। कोर्स सीखने के बाद आपको अपना अनुभव शेयर करेंगे। मुझे लगता है कि शायद उन्हें 8-10-15 दिन हो गया 15 दिन क्लास करते करते, और वो क्या क्या सारी चीज़ें सीखा हुआ है, क्या क्या सारी चीज़ें कर रहे हैं, वो आपको आपके सामने थोड़ा सा बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, जैसे देखें सर आप आपको दिखाएं ओप्पो A3s का मोबाइल लॉक तोड़ के, आप भी ऐसे कर सकते हैं। आप आइए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे सीखिए, कुछ करिए लाइफ में। मोबाइल का बहुत अच्छा है, बहुत चल रहा है इस टाइम, ठीक है। और भी जैसे हैं मिलाता हूँ, देखिए सुल्तानपुर से आए हैं भाई, जैसे हैं बहुत अच्छे से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए भाई। मेरा नाम सुंदरलाल है बंसल, मैं सुल्तानपुर से हूँ। हमारा अभी बेसिक कंप्लीट हुआ है, IC लेवल पर हम काम कर रहे हैं। आपको यहाँ पे आने कोई दिक्कत नहीं होगा, बेसिक से लेके एडवांस लेवल से लेके पूरा कोर्स कराया जाएगा आपको। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं Wi-Fi चलाना, और EasyJTAG, और हो गया UMT Pro माइक्रोस्कोप के द्वारा, यहाँ पे हो गया सब कुछ पूरा एकदम कंप्लीट कराया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। मल्टीमीटर चलाना सिखाया जाएगा, जितना कंपोनेंट है बेसिक एकदम एडवांस लेवल तक पूरा फुल कोर्स दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप आइए यहाँ पे, सीखिए अच्छे से, कुछ नाम करिए बस। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपना स्टूडेंट आकर के अपना कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि इनका 15-20 दिन हो गया समथिंग, ये अपना भदोही के रहने वाले हैं जो इलाहाबाद के पास में पड़ता है, ये अपना सुल्तानपुर के रहने वाले हैं, और ये कानपुर से भी हैं लोकल के बच्चे जो अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद आज अपनी शॉप चला रहे हैं, अपना बेहतर काम कर रहे हैं। हमारी तरफ से सर इतनी श्योरिटी है कि आप आएंगे तो पूरा कंप्लीटली सीख करके ही जाएंगे, बस आप अपना एक मन बनाइए सीखने का। और ये एक मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग बहुत इफेक्टिव और अच्छा बिजनेस है कि जिसे सीखने के बाद आप ग्रोथ कर सकते हैं, आगे अपना पूरा कंप्लीटली चिप लेवल पे काम कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।